सावनेर में 10 मई को दोपहर 1:30 बजे के करीब कामाक्षी मंगल कार्यालय पांडुना रोड के सामने स्वप्निल लोहकरे के मकान में स्थित विजय रड़के की जनरल किराना दुकान में आग लगने से करीब 1.5 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। वहीं मकानों को भी बड़ी क्षति होने की जानकारी है। सावनेर नगरपालिका अग्निशमन विभाग प्रमुख नीरज काले द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मई को करीब 1:30 बजे उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि पांडुना रोड पर स्थित दुकान की शटर के नीचे से धुआं निकल रहा है और आग लगने का अंदेशा व्यक्त करते ही सावनेर अग्निशमन दल अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर पहले तो दुकान का शटर तोड़ने पर अचानक आग की लपटें उठने लगी। समय रहते अग्निशमन विभाग के नीरज काले, जीतू जिफतोड़े, राजू पारधी, लाला समुद्रे, सूरज ढोके आदि ने समय न गवाते आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकान की छत और दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। वहीं घटनास्थल पर जारी चर्चाओं पर गैर किया जाए तो दुकानदार विजय रड़के घटना के मात्र 20 से 25 मिनट पहले दुकान बंद कर कहीं अन्य कामों के लिए रवाना हुए। दुकान से धुआं निकलने की जानकारी उन्हें मोबाइल पर देने पर हेलो हेलो कहकर उनका फोन बंद होने की बात कही जा रही है, तो कहीं इंश्योरेंस के लिए यह आग लगाई जाने की चर्चाएं गर्म थी। उक्त आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। इस आग की घटना मामला दर्ज कर आगे की जांच थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में की जा रही है। वहीं घटना की सच्चाई जानने हेतु उपरोक्त पहलुओं पर भी ध्यान देकर सच्चाई उजागर कर आगे लाने की मांग दबी आवाज में होने लगी है। सावनेर से NBC न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।